सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को राजद्रोह मामले पर सुनवाई हुई। टॉप कोर्ट ने मोदी सरकार से पूछा कि वो राजद्रोह के लंबित केसों और भविष्य के मामलों को कैसे संभालेगी। उन्होंने मोदी सरकार को निर्देश दिए कि वो इस मामले में बुधवार सुबह तक अपना रुख स्पष्ट करे। इससे पहले मंगलवार को हुई सुनवाई में केंद्र सरकार ने कोर्ट के सामने देशद्रोह मामले में अपना रुख बदलने पर सफाई दी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, राष्ट्रहित और देश की एकता अखंडता को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय कार्यपालिका ने यह नया निर्णय लिया है। हालांकि इससे दंड का प्रावधान नहीं हटाया जाएगा। कोई नहीं कह सकता कि देश के खिलाफ काम करने वालों को दंडित न किया जाए। सरकार इसमें और सुधार का प्रावधान कर रही है, लिहाजा कोर्ट अभी सुनवाई टाल दे। याचिकाकर्ताओं की ओर से कपिल सिब्बल ने आपत्ति जताते हुए कहा कि सरकार इसकी आड़ ले रही है, जबकि हमने तो आईपीसी के प्रावधान 124 ए को ही चुनौती दी है। नया संशोधित कानून जो आएगा सो आएगा, हमने तो मौजूदा प्रावधान को चुनौती दी है। सीजीआई ने केंद्र सरकार से कहा कि हमारे नोटिस को भी करीब 9 महीने हो गए हैं, अब भी आपको वक्त चाहिए, आखिर कितना वक्त लेंगे आप। इस पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि हमने कानूनी आधार पर अपनी बात हलफनामे के जरिए कोर्ट के सामने रख दी है, लेकिन कानून में संशोधन के लिए कितना वक्त लगेगा इस बारे में अभी कोई वादा या भरोसा नहीं दिया जा सकता। इस पर सीजीआई ने सॉलिसिटर जनरल से पूछा कि आज अटॉर्नी जनरल कोर्ट में क्यों नहीं है। जवाब में सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि उनकी तबीयत खराब है।